हाथ मत लगा दियो अभी आ जाएगा हाय छोटी है तो मदद मांग लो टेस्टी है मीठा है स्वीटी कब देखेंगे जमाई का चेहरा चल बालिका वधू होगा तेरा दिल में हे गाइस आज है मेरे इसके घर में एक और है उसके सबके पापा का बर्थडे हम सबके नहीं हम तीनों के पापा का बर्थडे थे यार भैया हम तीन भी गिनती में कम नहीं है एक पुरुष के तीन बच्चे वाह 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 आज उस महान पुरुष का बर्थडे है जिसके हम तीनों बच्चे हैं आज हमारे पापा पूरे 52 मतलब कि 51-52 साल के हो गए दोस्तों तो स्पेशल फील करवाना तो बनता है तीन बच्चों के होते हुए भी अगर बाद में अपने जन्मदिन में स्पेशल फील नहीं कर रहा है तो फिर कब करेगा सही बात है ना अब दो तो किसी काम के नहीं है एक ये और एक जो घर पे है तो आज मेरे को एक स्पेशल करना पड़ेगा तो आज मैं अपने पापा के लिए अपने ननी ननी बोनी बोनी हाथों से जो कि उन पे ही गए इन हाथों से उनके लिए एक बढ़िया सा हार्ट शेप का चॉकलेट ट्रफल केक बनाने वाली हूँ और घर को अच्छे से डेकोर वगैरह भी करेंगे सारी तैयारियां भी शुरू करते हैं और जो बच्चा काम का नहीं होता उसे घर में रहने का कोई हक नहीं होता चलो आज मुझे पता चला जरूरत पड़ने में गधे को बाप बनाना किसे कहते हैं मुझे कैमरा करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था मैंने इसे घर से निकाल दिया था फिर मुझे इसे इज्जत से वापस बुलाना पड़ा कि वैन मेरा कैमरा कर लेगी हाँ जी। ये भी वो गधा है जो मान गया अभी हम बनाएंगे इसकी हेल्प से क्योंकि हमारे पास ओवन नहीं है तो ये कुकर केक की हेल्प से हम केक का वो बनाएंगे बेस बैटर बनाएगी बैटर खिलाएगी पापा को दलिया ही खिला देना फिर ठीक है तो अभी मेरे पास ये है बर्तन का यार हाँ हार्ट शेप का बर्तन भी है दोस्तों मेरे पास पहले इसको दो वरना दोबारा से घर से बाहर निकाल दूंगी जैसे अभी निकाला था और तू वही गधा है जो दोबारा बुलाने में फिर वापस आ जाएगा क्या बोला तूने मुझे प्यारी बहन पापा बना रही जीजा है तू मेरा जो साली 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 बोलती है जीजा है मेरा तू ऐसे तो ये भी क्योंकि तुम मुझसे डरती है अबे कलर भी वैसे ही लग रहा है ये देख कुछ भी नहीं मेरे केक में बाल डाल के बाहर निकल जाओ मेरे सामने आने से अच्छा है दोनों शाम के लिए ना कोई सब्जी काट लो बढ़िया सी ठीक है हाय छोटी है तो मदद मांग लो बहन स्टूल पे चढ़ने की क्या जरूरत है तुम्हारी मदद की जरूरत किसी दुश्मन को भी ना पड़े नागिन मदद की जरूरत तो तुमको अभी पड़ेगी ना ही तेरे पास केक बनाने का पूरा सामान है और ना ही हमारे घर में रात के डिनर के लिए कोई सब्जी मार्केट में जाऊंगी नहीं क्योंकि तूने मेरे से अभी बदतमीजी की है तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें मार्केट भेजने वाली हूँ बहन टाइम तेरे पास है नहीं सब्जियों के घर में खुद ही चल के आ जाएंगी बिल्कुल आ जाएंगी कैसे फोन लाओ अपना बताती हूँ फोन से कैसे आ जाएंगे यार फ्रूट्स और वेजिटेबल आएंगे वो भी 15-20 मिनट में स्विगी इंस्टामार्ट की हेल्प से मुझे भी सिखा दे यार इधर आ स्विगी ऐप पर ही ना स्विगी इंस्टामार्ट का तेरे को एक ऑप्शन दिखेगा अलग से कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी और यहाँ से ना तू घर बैठे इजिली फ्रूट वेजिटेबल्स आटा राइस दाल सब कुछ सारा ग्रोसरी का सामान ऑर्डर कर सकती है ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार मिल ले कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स भी ऑर्डर कर दे आ गई ना लाइन पे बचे हुए सामान की मैडम बात करी थी वो भी आ चुका है ये रहा हमारा चॉकलेट कंपाउंड और ये रहा एक चॉको चिप व्हाइट वाला और चॉकलेट वाला है इससे मैं केक को डेकोरेट करूंगी और मेरे पास ओवन नहीं था ना इसलिए मैंने कढ़ाई वाला जुगाड़ लगा के अभी इसमें प्रीमिक्स डाल दिया है केक का जो बेस होता है उसे बेक होने के लिए तब तक चल के डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं चलो चक्कू तो दे कहाँ चक्कू मेरे को मारने के लिए तो 2-3 मिल जाएंगे क्या खाना है तुझे चॉकलेट कंपाउंड खाना है ऐसे नहीं नहीं रहा हाँ, ओ भैया खा लो ठूस लो बोल भी रहा कड़ी फिर भी मान नहीं रहा खा ले तो, एक बात है मैंने ना आज तक वीडियो में ही देखा था चॉकलेट मैंने भी हाथ मत लगा दियो मैं नारियल से सर फाड़ दूंगा नहीं फाड़ सकता पर मैं तो पगलेट हूँ घर वालों की नजरों में मैं फाड़ सकता सबसे पहले आपका बटेगा खाली है ना सही है ना यार ये तो देखने में अच्छा लग रहा है अगर ये टेस्टी होती तो कितना मजा आता ये कड़वी है यार पर तो इसको... दिखाओ यार चक्कू खाए चक्कू हमारे लोगों के किचन में चक्कू है बेटा आपके चलो ये बोल कितनी सॉफ्टली कड़ी है ये ओ सोडियम नहीं है टेस्टी है मीठा है मुझे भी दे दी आधा आधा खा लेते हैं दियो वेरी टेस्टी थोड़ा सा मुझे भी दे दे पिताश्री प्रसन्न होंगे सना के लिए भी दे दे थोड़ा सा को लग रहा था बहुत हार्ड होगा इसको देखो एक नारियल में छेद नहीं हुआ उससे ये क्या ही फिर से बात तू ये क्या ही करेगा जीवन में ये क्या अच्छी भी करी है बताओ किससे क्या करे फिर खत्म कर दूंगा अच्छा नारियल सब पे छेद तो होने का तो क्या इंसान खत्म करेगा स्वीटी नारियल आपके सर पे पड़ेगा तो नारियल फटेगा या आपका ब्यूटी है ब्यूटी मेरी स्वीटी नहीं मैंने इसका नाम क्या रखा था पिंकी
पिंकी चॉकलेट खाएगी, तेरा मन कर रहा होगा चॉकलेट खाने का। पिंकी तुझसे नारियल में छेद नहीं हो रहा तो जीवन में क्या करेगी? ये पिंकी से कुछ नहीं हो सकता दीदी। सच्ची में जल रहा है कुछ? अरे बर्तन जल रहा है, ओवन नहीं है। नमक डाला वाले उसके नीचे? क्यों नमक क्यों डाला नीचे? नमक बेटा ये पिज्जा नहीं बन रहा है। अरे भाई केक बन रहा है। फिर आगे फिर पिंकी पिंकी बोलो चिपक जाएगा भाई, वो मैं बता रहा हूँ। नहीं चिपकेगा, बटर लगा दिया। हाँ सही है। फिर इसको बड़ा पता है, इसको इसको वो कैसे करेंगे लॉकडाउन? ये पानी के ऊपर ठहरा दे इसको। हमने भी लॉकडाउन गुजारा है, तुमने भी गुजारा है। जाके ले ले। अच्छा ये हुआ, वो मारेगा दर्द नहीं होएगा तुमसे ना हो पाए। कितना सो गाइस, हमने अभी डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दी है और डेकोरेशन खत्म भी होने वाली है। इस डेकोरेशन का श्रेय जाता है किसको? दिल में नजर दे इसको। भाई बर्थडे किसी का भी हो, डेकोरेशन बड़ी बहन ही करती है, क्योंकि उसे फुग्गे बुलाने आते हैं। ये क्या कर रही है देख के, क्या कर रही है ये देख के? फुग्गे चाची को फोन मिला, बोल बारहवीं के पेपर छोड़वा, इसका बालिका वधू कराओ, ये हंस के निकल गई है। चल चल चल, आनंदी बनाऊंगी तेरा। चल चलो बाल विवाह कराएंगे तुम्हारा। इससे करेगा कौन? करवा तो दूं मैं, करेगा कौन? अभी इसकी दांतों की बाउंड्री हटी नहीं। यहाँ हमारी डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, अभी अंदर चल के देखते हैं किचन में क्या पकवान पक रहे हैं, क्योंकि खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। यहाँ पूजा भी हो चुकी है, भगवान को भोग भी लग चुका है, और इस फ्रिज में सिर्फ इसमें लाइट ही तो नहीं जलती, बाकी क्या कमी है। यहाँ मैंने ये जो केक बनाया उसको सेट होने के लिए रख दिया दोस्तों, अभी अच्छे से सेट हुआ नहीं है। और किचन में बन रही है गर्मा गर्म पूरी, इन्हीं पूरियों की खुशबू मेरे नाक में वार कर रही थी। फटाफट से केक सेट हो जाए, उसके बाद बदतमीज कहीं का बेइज्जती करा दी। डेकोरेशन तो चोखी लगे से टूट गई। पापा होने वाले हैं, खड़ी हो, खड़ी हो तो सो कैसे सकती है? अभी हमारे पापा होने वाले हैं, जल्दी और केक कटिंग। यहाँ मेरा केक भी बनके सेट है भाई, बहुत ही सुंदर आलीशान बेहतरीन दिख रहा है मुझे। और ये सिर्फ मैंने अकेले नहीं बनाया है, इसने भी बीच बीच में कड़छी हिलाई है। बस भाई लड़ने लग गई, कह रही आपने बनाया ये, मैंने नहीं बनाया ये। मैंने कहा क्या किया है तूने? अरे क्या किया था तूने? मैं तो भूल गई क्योंकि मेरे सामने तो इसने कुछ नहीं किया था। क्या किया था इसने? कंपाउंड को चॉकलेट को पिघलाई थी। वेरी गुड, तुम्हारी आंखों में आंसू भी भर गए। नाना हो रहे इसलिए, खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है, हो रहे नाना हो रहे वाले। डेकोरेशन बहुत बढ़िया करी है इसकी मम्मी ने। क्या पापा सच के आए हैं? उनका जन्म दिवस है, वो सजे ना। तू कॉलेज जाने के लिए सज सकती है, मेरे पापा अपने जन्म दिवस में नहीं सज सकते। चित भाई साहब, देखने में तो भाई ये केक इतना खूबसूरत बना है कि मैं बार 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 इसको देखे जा रही हूँ। खाने में कैसा है वो यहाँ बैठी जनता बताएगी, वो जरूर बताएगा, कोई बताए ना बताए। रेडी? आर यू रेडी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडी। नाना होने की खुशी इसे इग्नोर करते हैं, आज लाइमलाइट इधर रहेगी। ये हैप्पी बर्थडे दोनों एनिवर्सरी की तरह रेडी क्यों हुए हैं? पता नहीं। हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चिरमन को अलग खुशी हो रही है। सब बड़े लोगों की भीड़ में एक मेरा छोटा सा चुनमुन, मेरा बच्चा। कैसा बना है? अच्छा बना है। सिमोन सच सच मम्मी कसम, कैसा टेस्ट है? मैं कभी नहीं बोलती पर बहुत टेस्टी है। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती कही है ये बुलवाने के लिए? तुम सच कह रही हो? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं छुपाऊंगी। डिनर टाइम, चला
क्या मंगाया वैसे? तो मेरे पापा नु बारी बारी गैस होती रहती थी तो मैंने उनके लिए निमका मंगाई थी। ठीक है, और खाने में क्या मंगाया सी? खाने में मैंने मंगाया है सोया चाप और साथ में दाल मखनी, और घर में मम्मी ने ये पूरियां बनाई है क्योंकि शुभ दिन में कढ़ाई चढ़ाना इज वेरी इम्पोर्टेंट। जल्दी करना यार, ये ले रबड़ संभाल के रख। उनका क्या करेंगे? घर में एक छोटा बालक है, उसके छोटे छोटे बाल है, छोटी छोटी चुटिया बनेगी। ओह यस, चुनमुन के काम आएंगे। थोड़ी सी जिनका भी काला नमक डाल के मुझे भी दे दो। दोनों भी गैस हो रही है। काला नमक मेरे दो भोले माँ बाप दोनों को गैस होती है। मम्मी कोई तो अलग अलग होना चाहिए था ना, दोनों गैस ही होंगी। चुपके से आ रही है। ओ वेरी टेस्टी चाप में शेयर, मेरे पापा का फेवरेट फूड। मम्मी मेरे पापा अभी अभी हो रहे, क्या जरा ध्यान रखना ठीक है। नरम और प्यारी आवाज में बोलना, जो छोटा बच्चा होता है वो डर जाता है, मेरे पापा पहले डरते हैं। ओए मेरा किधर है? साथ लेके बनाओगे उसको तो ऐसी होगा। टेस्टी बना हुआ, मेरी उम्मीदों में बहुत खरा उतरा, बहुत ज्यादा। भी अपने माँ बाप की उम्मीदों में ऐसी उतर पाऊँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था होममेड केक अच्छा बनेगा। बनाने वाले के हाथ में स्वाद होता है, मेरे हाथ में स्वाद है। उम्र है तेरी इनको बड़ों के साथ चूल्हा चौका सीख। ताऊ जी हो गए 52 साल के, कब देखेंगे जमाई का चेहरा? चल बालिका वधू होगा तेरा।